अस्सलामुअलैकुम। आज की मेरी वीडियो CSS कंपेटिटिव एग्जामिनेशन के बारे में है और ये मेरी CSS के बारे में चौथी वीडियो है। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट्स फॉर रिटन एग्जामिनेशन। CSS कंपेटिटिव एग्जामिनेशन में जो रिटन एग्जामिनेशन होता है उनमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं इसके बारे में हम तफसील से पढ़ेंगे। ये याद रखें कि CSS कंपेटिटिव एग्जामिनेशन में टू टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं। एक टाइप है जो है उसको हम कहते हैं कंपल्सरी सब्जेक्ट्स, जबकि दूसरी टाइप जो है वो है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में आपकी मर्जी है कि आप कौन से सब्जेक्ट्स को चूज करते हैं और आप कौन से सब्जेक्ट्स में एग्जाम देना चाहते हैं, जबकि कंपलसरी सब्जेक्ट्स में आपके पास ऑप्शन नहीं होती और ये पेपर्स आपको जरूर देने पड़ेंगे। इन दोनों सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स हैं वो सेम है। कंपलसरी सब्जेक्ट्स के भी मार्क्स 600 बनते हैं, जबकि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के मार्क्स भी 600 बनते हैं। आपको बेहतरीन मालूमात देने के लिए, आपकी आसानी के लिए और आपको बेहतरीन फायदे देने के लिए मैंने सब्जेक्ट्स फॉर रिटन एग्जामिनेशन को टू वीडियोस में डिवाइड किया है। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ पढ़ेंगे कंपलसरी सब्जेक्ट्स के बारे में, जबकि अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के बारे में। ये याद रखें कि कंपलसरी सब्जेक्ट्स और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के बारे में मालूमात आप सब के लिए इंतहाई जरूरी है और ये एग्जाम से बहुत पहले आपको मालूमात होनी चाहिए कि CSS में कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो कंपलसरी हैं और कौन से ऑप्शनल हैं। तो मैं अपनी वीडियो का आगाज करता हूं कंपलसरी सब्जेक्ट्स के साथ, ताकि आप सबको इंतहाई मुफीद मालूमात दे सकूं। इसमें जो है, इसमें याद रखें, इसमें सबसे पहले जो है CSS कंपेटिटिव एग्जामिनेशन में आता है एसे। और एसे के मार्क्स कितने हैं ये भी बताता चलूं, इसके मार्क्स हैं 100। एसे से यहां मुराद इंग्लिश एसे है और इसके टोटल मार्क्स 100 है और उसका जो पेपर होगा उसका ड्यूरेशन जो है वो 3 आवर्स का होगा। ईच पेपर विल बी ऑफ 3 आवर्स ड्यूरेशन। CSS में तमाम सब्जेक्ट्स इंतहाई इंपॉर्टेंट है, लेकिन याद रखें ऐसे जो है, ऐसे ये जो है ये वेरी बहुत ही ज्यादा टफ पेपर है, इसकी तैयारी आपको बहुत ही जबरदस्त करनी चाहिए। दूसरा जो है सब्जेक्ट जो है वो है इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन। इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन, इसके जो मार्क्स हैं वो भी 100 है। अब जो हमारा तीसरा जो सब्जेक्ट है वो है जनरल नॉलेज का। जनरल नॉलेज का जो है, और उसमें आपने ये बात याद रखनी है कि
कि जनरल नॉलेज में आपके 3 पेपर्स होंगे, ए बी एंड सी। इसमें जो पेपर 1 है उसमें आता है जनरल साइंस एंड एबिलिटी। इसमें आता है जनरल पेपर 1 में जो है जनरल नॉलेज की पेपर की हम बात कर रहे हैं, इसमें आता है पेपर 1 में जनरल साइंस एंड एबिलिटी जिसके मार्क्स टोटल मार्क्स है 100। इसको उन्होंने फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है कि इसमें क्या क्या आएगा, तो याद रखेंगे इसमें आएगा जनरल साइंस, एमसीक्यूज जो इसके होंगे वो होंगे 20 मार्क्स के। जनरल साइंस में एमसीक्यूज 20 मार्क्स के होंगे, जबकि सब्जेक्टिव जो होगा वो होगा 40 मार्क्स का। इसी के साथ एबिलिटी जो होगी वो होगा सब्जेक्टिव 40 मार्क्स का। मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं, जो हमारा तीसरा पेपर है, थर्ड पेपर जो हमारा है वो है जनरल नॉलेज के बारे में। इसमें जो पेपर 1 है उसमें जनरल साइंस एंड एबिलिटी के बारे में पेपर होगा। इसके टोटल मार्क्स जो है, टोटल मार्क्स पेपर 1 में के जनरल साइंस एंड एबिलिटी के बारे में 100। अब 100 में क्या क्या आएगा इसमें फर्क, आपको मजीद मालूमात देने के लिए इन्होंने बता दिया है कि जनरल साइंस में जो होगा उनमें एमसीक्यूज 20 मार्क्स के होंगे, सब्जेक्टिव जो है सब्जेक्टिव वो 40 मार्क्स के होंगे, जबकि एबिलिटी जो है सब्जेक्टिव वो 40 मार्क्स के होंगे। जबकि अब आते हैं हम दूसरे पेपर की तरफ, पेपर 2। ये किस चीज का होगा? ये होगा करंट अफेयर्स के बारे में। और इसे कितने मार्क्स होंगे? 100। जो सेकंड जो पेपर होगा, पेपर 2, वो होगा करंट अफेयर्स के बारे में। इसके जो टोटल मार्क्स होंगे वो है 100। इसके बाद जो आपका तीसरा पेपर होगा वो होगा पाकिस्तान अफेयर्स। इसके मार्क्स भी 100 होंगे। अब ये टोटल कितने मार्क्स हो गए? पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3, इसके टोटल मार्क्स जो है वो है 300। ये टोटल मार्क्स जो है इसके 300 होंगे। पेपर 1 जनरल साइंस एंड एबिलिटीज के 100, पेपर 2 करंट अफेयर्स 100 एंड पेपर 3 पाकिस्तान अफेयर्स 100। ये टोटल मार्क्स बनते हैं 300। अब ये बात हमेशा याद रखें कि द 3 पेपर्स ऑफ जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज 1, जनरल नॉलेज 2 एंड जनरल नॉलेज 3 आर टू बी पास्ड कलेक्टिवली बाय स्कोरिंग 120 मार्क्स आउट ऑफ 300। आपने टोटल 120 मार्क्स लेने हैं 300 में से और इसको कलेक्टिवली पास करना है। द 3 पेपर्स ऑफ जनरल नॉलेज, जो कि जनरल नॉलेज के जो 3 पेपर्स हैं, आर टू बी पास्ड कलेक्टिवली बाय स्कोरिंग 120 मार्क्स आउट ऑफ 300। इन तमाम जो 100+100+100 300 मार्क्स में से आपने कलेक्टिवली 120 मार्क्स लेने हैं इन इस पेपर को पास करने के लिए। आपका जो अगला जो वो है सब्जेक्ट है वो है इस्लामिक स्टडीज और कंपैरेटिव स्टडी।
major religions. ये फॉर नॉन मुस्लिम्स है. ये जो पेपर है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मेजर रिलीजन्स, ये नॉन मुस्लिम्स के लिए है. ये बात याद रखनी है, ये वाला सब्जेक्ट्स नॉन मुस्लिम के लिए है और इस्लामिक स्टडी जो है वो मुस्लिम्स के लिए है. इसके मार्क्स जो होंगे वो होंगे 100 मार्क्स. तो ये हमने सीखा कि जो ऐसे में है वो 100 है, फिर इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन के भी 100, जनरल नॉलेज के ओवरऑल जो है वो बनते हैं 300, जबकि इस्लामिक स्टडीज और कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मेजर रिलीजन्स फॉर नॉन मुस्लिम्स उसके भी बनते हैं 100. तो ये आपके टोटल जो है 600 मार्क्स बन गए हैं. अब CSS, इससे एक हमने ये बात भी आप लोगों को बताता चलूं कि अगर आप CSS में बेहतरीन कामयाबी चाहते हैं और उसको सही मानों में पास करना चाहते हैं तो आपकी एक चीज बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, इस पर आपने बहुत मेहनत करनी है, वो है आपकी इंग्लिश में. इंग्लिश बहुत ज्यादा जरूरी है CSS एग्जाम पास करने के लिए. इसके ऊपर आपने पहले से ही मेहनत करनी है ताकि फिर आप आसानी के साथ इस एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स ले सकें. आपकी इंग्लिश जितनी स्ट्रांग होगी उतना ही आपके लिए ये एग्जाम पास करना आसान होगा. इसके साथ साथ जनरल नॉलेज के बारे में, इस्लामिक स्टडीज़ के बारे में, तो हमने यही पढ़ा आज कि आपको इस्लामिक स्टडीज़ के बारे में बेहतरीन मालूमात हो, जनरल नॉलेज के बारे में आपकी बेहतरीन मालूमात हो, आपकी इंग्लिश के बारे में आपकी इंग्लिश स्ट्रांग हो, उसके बारे में आपको बेहतरीन आपको नॉलेज हो, आपको बेहतरीन ग्रामर आता हो, आपको बेहतरीन लिखना आता हो, इंग्लिश को समझना आता हो, इंग्लिश को आप बेहतरीन ऐसे लिख सकते हो, आप पैराग्राफ्स लिख सकते हो, आप स्टोरीज लिख सकते हो, ताकि फिर आप CSS में अच्छे मार्क्स ले सकें और इस बेहतरीन टेस्ट को पास कर सकें. उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से काफ़ी फ़ायदा उठाएंगे. अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स और उसके बाद एक आप लोग एक इस जो मेरी इस ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के बाद जो वीडियोस होंगी तब फिर मैं आपको कंबाइन जो है जो आप लोग जो सब्जेक्ट्स चूज करेंगे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को मिला के वो भी फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप चूज कर सकते हैं जो कि इससे मैच करते हैं कंपलसरी सब्जेक्ट्स को. मेरे कहने का मकसद ये है कि आपके जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं प्लस ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, इनको हम किस तरह मैच करेंगे ताकि आप ज्यादा से ज्यादा आपके लिए सहूलत हो. तो इस वीडियोस को आप जरूर देखें, मेरी अगली वीडियोस का आप इंतजार करें. इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत फायदा होगा. अस्सलामुअलैकुम.